हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट प्रेमी सिकंदर। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ऑटो वाले अंकल और पशोक सर, और इन्होंने देख लिए ओड़िया मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है माना म्यूजियम। तो सर, पहले तो आप बताओ कि ये ट्रेलर आपको कितनी अच्छी लगी। देखो, एक लव स्टोरी है और ऐसी लव स्टोरी जो है मैंने बहुत सी देखी है, लेकिन ये कंटेंट जो है एक कॉलेज में है। अगर एक लड़की लड़का जो है प्यार करते हैं और बचपन का गिफ्ट अगर संभाल के रखते हैं और उसे सजा के रखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, म्यूजियम की तरह। तो ये जो है ये एक स्टोरी अलग दर्शाती है कि प्यार में कितनी बड़ी ताकत होती है। और ये प्यार का मतलब जो एहसास होता है, जब शाहजहाँ ताजमहल बना सकते हैं तो ये गिफ्ट जो है क्यों नहीं सजा सकते हैं। तो ये जो है ये लव स्टोरी है और ये लव स्टोरी जो है जहाँ तक हो सके पब्लिक को पसंद आएगी। क्या बात है। हाँ। सर, आपको बता दूं कि ओड़िया इंडस्ट्री से लगातार एक नई कंटेंट आ रही है, जैसे कि दमन आई, उसके बाद एक प्रतीक्षा जो कि 2 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। क्या लगता है कि ओड़िया इंडस्ट्री एक अच्छी कंटेंट लाने की कोशिश कर रही है? कंटेंट लाएगी। सबसे पहले तो दबंग मूवी जो है हिंदी में आए तो तब सोचेंगे। अभी हिंदी में आई है, अभी खाली उड़िया में ही देख के हम लोग हवे में तीर मार रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हिंदी में आएगी तो हिंदी में देख के कुछ और भी अच्छा लगेगा और भी मजा आएगा। अच्छा, इसमें हीरो और जो हीरोइन है उनकी दोनों की केमिस्ट्री आपको कैसी लग रही है? दोनों का प्यार जो दिखाया है अच्छी लग रही है। और लव स्टोरी अच्छी है और इतना कुछ ज़्यादा कुछ बोलना ज़रूरी नहीं, आजकल गली गली में लव स्टोरी चालू है। अच्छा, और आपके मेरे ज़माने में क्या हो गया था, मैं बस स्टॉप पे खड़ा रहता था। अच्छा। और बस स्टॉप के नाम से मैं फेमस हो गया था। अच्छा। मेरे बाप ने पकड़ा और ले के शादी कर दी है। हाँ, लव स्टोरी है और सब लोग जो है गली में जो भी है पूछता, भाई अशोक कहाँ है? अरे वो बस स्टॉप पर लौका रहा। तो मतलब ये है कि बस स्टॉप पर मैं था, मेरी भी स्टोरी चल रही थी और वो स्टोरी में जो है सबको मालूम हो गया और हमारे पिताजी ने ले जा करके शादी कर दिया और स्टोरी का दे इंड हो गया। चले, कहीं ना कहीं आपको ये मूवी देखने के बाद हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए आपको। नहीं, याद क्या है, याद तो है, हर एक इंसान के अंदर लव स्टोरी है। जैसे तुम्हें भी जो है अब थोड़े टाइम के बाद जो लव स्टोरी मालूम पड़ेगी, या पिता शादी कर दे डायरेक्ट, या तो तुम किसी को लेके भाग जाओ, या तो कुछ तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटे कि तुम खुद शादी कर लो, होएगी। हर एक इंसान के अंदर वो घटना घटती है, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो या कैसा भी हो, उसके अंदर एक घटना घटती है और वो याद रखता है। तो ये ज़रूर घटेगी और ये मूवी जो लव स्टोरी है ये जो है कॉलेज के बच्चे लोग को ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए, एंड में जाते जाते अगर रेटिंग देना हो तो कितना दोगे आप? मैं इस जो है इसे 3 स्टार दूंगा, 3 स्टार, क्योंकि अभी जो है कोई हिंदी मूवी आई नहीं है और मैं देखा नहीं, ट्रेलर के ऊपर ज़्यादा मैं कमेंट कर नहीं सकता। और जैसे ही जो है अगर दमन हिंदी में आ गई तो कुछ इंटरेस्टिंग की बात होगी और मूवी भी स्टार देने की देखने के बाद ही तय होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।